इस हमारी पहली ट्रिक करने के लिए ना आपको सबसे पहले मिलिट्री बेस पे आ जाना है, और मिलिट्री बेस में ना आपको यहाँ पर जो सी बिल्डिंग दिखती है ना, सी बिल्डिंग के सामने आपको ये फ्रंट पे ना ये वाला कंपाउंड देखने को मिलता है, तो आपको इस लोकेशन पे आ जाना है इसके अंदर। अब गाइस यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक वर्क कर रही है जिससे यहाँ पर ना रह के ना आप इजिली नेक्स्ट लेवल वाली कैंपिंग कर सकते हो। अगर आपको कैंपिंग नहीं करनी तो आप होल्ड या रैंक पुशिंग के लिए उस ट्रिक को कर सकते हो और अच्छा खासा एनिमी का एडवांटेज उठा सकते हो। तो सामने आपको इस तरह की अलमारी जो दिखती है ना, इसके टॉप पर जाने का ट्रिक बताऊंगा। तो सिंपली आपको इस वाली लोकेशन पर आना है और यहाँ पर आपको ना साइकिल स्टेशन से साइकिल लेके आना होगा और सिंपली आपको साइकिल को इस तरह से यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद चिपका के लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, शूज वाली पावर को एक्टिवेट करना है और साइकिल के ऊपर आपको जंप करना है और जो स्टिक को आगे करके यहाँ पर दो से तीन बार आप जैसे जंप करोगे तो गाइस आप देख सकते हो मैं इसके टॉप पर आ चुका हूँ, तो इजीली आप इसके टॉप पर आ जाओगे। तो अगर यहाँ पर आ जाओगे और उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको किस तरह का एडवांटेज रहेगा, जो भी एनिमी नीचे की तरफ रहेगा आप इजीली उसको यहाँ पर नॉक कर पाओगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर आने के बाद ना कोई भी एनिमी आपको यहाँ पर स्पॉट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कितना हॉट ड्रॉप रहता है, तो इस ट्रिक को लगा के ना आप अच्छे खासे किल निकाल सकते हो या होल्ड कर सकते हो अगर जोन बनता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दूंगा जिससे आपको यकीन आ जाएगा कि आपको यहाँ पर कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं कर पाएगा। तो गाइस मैं आपको एक एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरा टीममेट इसके ऊपर है, बिल्कुल भी स्पॉट नहीं कर पा रहा मैं उसे। अगर वो यहाँ पर बैठता है तो आप स्पॉट कर सकते हो, और गाइस अगर वो प्रोन रहेगा तो बिल्कुल भी कोई भी एनिमी आपको किसी भी कॉस्ट में नहीं देख पाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी स्क्रीन नीचे होती है, तब भी हमारा ध्यान ऊपर नहीं जाता, तो इस तरह से आप अच्छा खासा एडवांटेज ले पाओगे। अब गाइस सेकंड ट्रिक करने के लिए ना गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पर यासना वाली लोकेशन पे आ जाना है, और यासना पे ना आपको ये वाली बिल्डिंग देखने को मिलती है। अब इस बिल्डिंग में क्या होता है ना, कभी कभी गाइस यहाँ पर ना जोन बनता है तो एनिमी यहाँ पर होल्ड या कैम्प करके बैठ जाते हैं। अगर आपको एनिमी को सरप्राइज अटैक देना है ना, तो सिंपली आपको इस वाली लोकेशन पर आना है और साइकिल को आपको यहाँ पर लगा देना है, साइकिल स्टेशन से ले आना। अब गाइस यहाँ पर लगाने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस करना है, आपको बॉल को पीछे लेना और स्पीड में आपको यहाँ पर बॉल में टच करना है। जैसे ही आप साइकिल पे टच करोगे तो गाइस आपके यहाँ पर जंप करेगी, और जंप करते के साथ ही आप एक और जंप करके आप इसके इजीली टॉप पे आ जाओगे। अब जो भी एनिमी अंदर की साइड यहाँ पर होल्ड या कैम करके बैठा होगा आप इजीली उसको सरप्राइज अटैक दे पाओगे। तो इस तरह से वाली ट्रिक यहाँ पर आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो गाइस अगर मान के चलो अगर आपसे साइकिल वाली ट्रिक में ना दो से तीन बार आपको अटैम्प्ट करना है, अगर दो से तीन बार अटैम्प्ट करोगे तो आपकी लो वाली जंप हो जाएगी, हाई जंप नहीं होगी। अगर आपको हाई जंप करना है तो आपको साइकिल से क्या करना है, आपको चार से पाँच बार अटैम्प्ट करना है, तभी आप उस वाले हाई जंप को कर पाओगे जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था। तो गाइस इस तरह से वाली ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है। तो थर्ड ट्रिक करने के लिए गाइस आपको मिलिट्री बेस के इस तरह के टावर पे आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर जो रहता है। अब गाइस यहाँ पर ना आप इरेंगल में किसी भी टावर पे इस पे क्लाइम कर सकते हो इरेंगल के। तो गाइस यहाँ पर मैं मिलिट्री बेस के टावर पे क्लाइम कर रहा हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपली यहाँ पर जंप स्पैम करना, शूज वाली पावर को एक्टिवेट करते और धीरे धीरे करके आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं ये वाली ट्रिक देखी होगी और ये बहुत ही ज़्यादा चल रही है, तो आप इस ट्रिक को करके ना इरेंगल के कोई भी मैप में ना आप इस तरह से क्लाइम करके इनके टॉप पे जा सकते हो। और गाइस यहाँ पर मैं मिलिट्री बेस में हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो गाइस यहाँ पर आप मिलिट्री बेस में जैसे होल्ड ड्रॉप रहता है तो आप इजीली यहाँ पर रह के ना एनिमी को सरप्राइज अटैक दे सकते हो। तो इस तरह से वाली ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।